आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नागपुर के माटे चौक स्थित एक्स्ट्रा एज फिटनेस जिम के उद्घाटन के लिए आए 6 बार विश्व चैंपियन रहे बॉडी बिल्डर संग्राम चौगुले, आसिया शेख, कुणाल वचनेकर, कांतिक हेड़गे, इन्होंने कई पहलुओं पर रोशनी डाली। आइए डालते हैं एक नजर। नागपुर के माटे चौक स्थित एक्स्ट्रा एज फिटनेस नामक एक जिम का हाल ही में शुभारंभ हुआ। नागपुर प्रशिक्षकों को एक साथ बॉडी बिल्डर हमेशा कहता है कि हम एक विशेष दिन पर अपने पसंदीदा पकवान खाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी राय में एक विशेष दिन जैसा कुछ नहीं होता, आपको केवल वही खाना है जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन हमें अपने आहार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यदि आप अपने आहार पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपने पसंदीदा भोजन का सेवन करने के साथ अच्छे एक्सरसाइज कर सकते हैं। मराठी फिल्म अभिनेता व 2012 और 2014 में मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया और मिस्टर एशिया के 6 बार विजेता रहे विश्व चैंपियन बॉडी बिल्डर संग्राम चौगुले ने सभी उभरते बॉडी बिल्डरों से बात करते हुए यह सलाह दी। माटे चौक पर खुले नए एक्स्ट्रा एज फिटनेस जिम के उद्घाटन समारोह के लिए विश्व चैंपियन बॉडी बिल्डर संग्राम चौगुले और उनके तमाम बिल्डर्स मौजूद थे। इस अवसर पर जिम के निदेशक कुणाल वचनेकर, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष शारीरिक मॉडल कांतिस हेड़गे और अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर अल्फिया शेख भी खास तौर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अपने स्वास्थ्य के लिए कार्य करना अन्य कार्य जितना ही महत्वपूर्ण है। उस समय जब सभी चीजें सर्वोच्च सम्मान और ईमानदारी से की जाती है तो इसका फायदा आपके बॉडी को प्राप्त होता है। यदि आप योजना बनाकर प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन इस पीढ़ी के युवाओं के पास योजना की कमी है, जिसके कारण उन्हें सफलता प्राप्त करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आज फिटनेस क्लबों के पास व्यायाम के लिए एडवांस उपकरण उपलब्ध है। टीवी स्क्रीन पर इस समय में ये तमाम एडवांस उपकरण उन लोगों के लिए है जो अपनी बॉडी बनाना चाहता है, जिसका इस्तेमाल वह निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपने फिटनेस को बनाए रखना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि आप विफलता को एक सीख के रूप में लोगे तो कोई भी प्रतियोगिता मुश्किल नहीं है। अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक्स्ट्रा एज फिटनेस जिम की उन्होंने सराहना की और उन्हें भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। विश्व चैंपियन बॉडी बिल्डर संग्राम चौगुले और उनके तमाम साथियों ने एनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। जीवन में जिसे आगे बढ़ना होता है उन्हें प्रकाश दिखता है, और जिन्हें बढ़ना नहीं होता उन्हें अंधेरा दिखता है। लेकिन अब की बार ये प्रकाश दिखाने वाली बात है, क्योंकि इस समय में एनबीसीएन की टीम ऐसे एक नए जिम में है जहाँ पे चौगुले और ये तमाम बॉडी बिल्डर जिन्होंने देश का परचम पूरे विश्व में लहराया, ऐसी तमाम पर्सनैलिटी हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे जानना चाहेंगे कि खुद में बॉडी बिल्डिंग करना कितना महत्वपूर्ण है, अपनी सेहत का ध्यान हम किस प्रकार से रख सकते हैं और तमाम बातों के लिए रुक करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में संग्राम चौगुले, जो कि 6 बार वर्ल्ड विजेता रह चुके, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके ऐसे बेहतरीन से अंदाज में। आप देख रहे हैं इनके डोले शोले कितने जबरदस्त है, मात्र एक दिन में नहीं बने। आइए कितना इन्हें सफर लगा वो बनाने के लिए जानना चाहेंगे। संग्राम जी, ये बताएं कि जिस प्रकार से ये डोले शोले बनाए गए हैं, इनमें सबसे पहले कितना समय लगा? सर 20 साल लगे, सिर्फ 20 साल से मैं कर रहा हूं एक्सरसाइज, तब जाके थोड़ा सा कुछ बना पाया हूं। सर आए दिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो काम करना चाहते हैं, अगर विफलता आती है तो वे काम धाम छोड़ देते हैं, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग का काम हो, बॉडी जल्द से नहीं बन पाती, यानी विफलता आती है तो छोड़ देते हैं। ऐसे में विफलता भी क्या एक तरक्की की सीढ़ी बन सकती है? जी सर, विफलता ही तरक्की की सीढ़ी है, क्योंकि कैसा है कि आपको तब पता चलता है कि आपको आगे जाना है कि पीछे आना है। अगर आपको आगे जाना है तो एक सीढ़ी आपकी मिस हो जाती है, आप दूसरा अगर आप छोड़ देंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप 100 सीढ़ी जीतने के लिए 99 पर जाते हो और 99 से आप वापस जाए तो आपको मालूम है कि आपका अगला स्टेप जीतने का है। सो अगर आप हारेंगे नहीं तो आपको जीत का मजा कैसे आएगा? सो सिंपल थिंग यह है कि जब तक आप नेगेटिव चीज़ों से गुजरते रहे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव चीज़ें क्या रहती है। तो सिंपल थिंग है, हार मैं ऐसा नहीं बोलता कि हार जीतने की फर्स्ट स्टेप है, लेकिन नंबर ऑफ हार से आप एक बार जीत सकते हो। सो इट्स जस्ट स्ट्रगलिंग थिंग, और हर टाइम पे आपको एक अगर आप हारते हो तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपकी तरफ से अच्छा ही काम हो जाता है, आप सेटल नहीं होते हो। अगर आप जीतते हो तो आप सेटल हो जाते हो कि मैंने जीता है। तो अगर आपको
लॉन्ग टर्म तक के लिए जाना है तो आपको हार के सोच के जाना पड़ेगा, तब जाके आप लॉन्ग टर्म के लिए जीत सकते हो। बिल्कुल, हार होने ही नहीं चाहिए क्योंकि हार के आगे जीत है, और जीतना कैसे है ये इन्होंने काफ़ी अच्छा एक मूल मंत्र दिया है। इस समय में हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर आल्फिया शेख जी, उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आल्फिया जी, ये बताइए कि आज आप महिलाओं के तौर में आप जो दिखाई दे रही हो, ऐसे कई महिला भी बनना चाहती है मगर किसी कारणवश वे नहीं बन पाती, घर के घर में ही रहती है, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करो या फिर फिटनेस मॉडलिंग करो, आपको आपका खुद का कोई मिशन रहता होगा। जो जब आप स्कूल में होते होंगे तब से कुछ सोच के रखा होगा कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कुछ भी, बहुत सारे योगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी स्पोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही, क्योंकि आप कोई भी स्पोर्ट खेलोगे तो उसमें आपको फिटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि बिजी शेड्यूल की वजह से या ऐसा कुछ ये कोई कारण हो सकता है, कोई रीज़न नहीं रहता है जिम आने का नहीं आने का। अगर आपका मिशन है, आपका गोल है, तो सब चीज़ें होती है, तो आपको टाइम निकालना है अगर आपको खुद को खुश रहना है और हेल्दी रहना है तो। बिल्कुल, अगर हम हेल्दी नहीं रहते तो हमारा देश भी यकीनन हेल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि देश जो है पूरी तरह से इन युवाओं पर निर्भर है, और युवा अगर हमारे मजबूत है तो यकीनन देश भी हमारा मजबूत है। इस समय में क्रांति खड़गे हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि अपने आप में स्वास्थ्य को मजबूत रखना कितना महत्वपूर्ण होता है? स्वास्थ्य को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल के लाइफस्टाइल ऐसा है कि हर कोई फास्ट फूड खा रहा है, हर कोई कोल्ड ड्रिंक्स, हर कोई यानी बैड हैबिट्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो अगर वो चीज़ों से अपन दूर रहना चाहे तो फिटनेस को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल में। अगर फिटनेस को इन्वॉल्व रखेंगे तो हेल्दी फूड ऑटोमेटिकली पेट में जाएगा, आप बाकी चीज़ों से दूर रहोगे। काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी। इस समय में हमारे साथ में कुणाल है, जिनका ये नया ऐसे नए लुक नए कलेवर में एक जिम दिखाई देती है, उनसे जाना चाहेंगे। कुणाल, ये बताए कि किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई है? सर, ये हमारा टीम है जो पहले बहुत सालों से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हम एक स्टूडियो खोले जिसमें हम लोग बाकी सब लोगों को सपोर्ट कर सके या बॉडी बिल्डर्स बना सके। तो हम लोग इसके लिए पूरा कमिट ये किए है, और उसके लिए हम दोनों साथ में आके एक जिम ये किए। बिल्कुल, तो आप थे कुणाल जिन्होंने बखुवेर बेवा के साथ बात करते हुए ये कहा कि उन्होंने जो जिस प्रकार से जिम का जो आयोजन किया है, इसके पीछे का उनकी मंशा का उनका उद्देश्य क्या है, और सही उद्देश्य उनका यही है कि देश के युवाओं को जो आज नशेड़ी बनते हुए जा रहे, अलग अलग कारणों से जो नशेड़ी बनते जा रहे, उनको इस अच्छे प्रभाव में लाना और उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना, क्योंकि देश का सही नागरिक वही है जो व्यायाम, प्राणायाम, योगा और बॉडी बिल्डिंग बनाता है, और उन्हीं लोगों के बारे में यही तारीफ कहते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने जो जीत का परचम ले रहा है, इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, तारीफ करना चाहूँगा कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, NBC News नागपुर।